Right, no, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India. Is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stop. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तश्वीश, कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब है, चाहते हैं कशीदगी खत्म हो, कश्मीर में बहुत से शहरी मारे गए, अमरीका चाहता है ये अमवात रुकें, पाकिस्तान से ताल्लुकात इंतहाई कम वक्त में बहुत ज्यादा बेहतर हुए, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात का इम्कान है। फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं आखिरी सांस और गोली तक मुल्क का दिफा करेंगे, भारत हमें हैरान नहीं कर सकता, हम इसे हैरान करेंगे। हमला हुआ तो इस बार पाकिस्तान का फौजी रद्द अमल मुख्तलिफ होगा, जंग की तैयारी नहीं कर रहे, जंग की सूरत में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आपको पैगाम मिल गया होगा, 70 साल आपको देखा, आपके लिए ही सलाहियतें हासिल की। रावलपिंडी में मीडिया को ब्रीफिंग। जवानों का हौसला बढ़ाने सिपा सलार अगले मोर्चों पर पहुंच गए, फौजी तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं किसी खौफ या दबाव में नहीं आएंगे, किसी भी जारियत का उसी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के हमनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का टेलीफोन। वज़ीरे ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पुलवामा वाक़े के बाद भारत के बेजा इल्ज़ामात से आगाह किया। भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन हो गई, देहरादून में कश्मीरी तलबा को जुनूनियों के हाथों मुश्किल, चंडीगढ़ के मेहरबान से कश्मीरी तलबा के मेजबान बन गए। पंजाब हुकूमत की बड़ी कार्रवाई, बहावलपुर में कालदम जैश मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया, मदारिस का निजाम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर, फैसला वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में किया गया। मुतनाजा खिताब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल, मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए, साबिक DGISI की पेंशन और मराल खत्म, रैंक को बरकरार रखा गया है। इस्लाहात या निजकारी, पंजाब में अस्पतालों को खुद मुख्तार करने का प्लान, नए निजाम के तहत मुफ्त इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा, अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएंगे, अस्पताल अपने खर्च खुद चलाएंगे, गरीब लोग इलाज के लिए बोर्ड्स के रहमो करम पर होंगे। दो माह में सुई सदन गैस कंपनी का दूसरा MD भी चला गया, इमरान फारूकी ने ओहदा छोड़ दिया, वसीम अहमद कायम मकाम MD सुई सदन मुकर्रर, गुज़िश्ता माह MG अमीन राजपूत को ओहदे से बरतरफ किया गया था। महंगाई का सोनामी, आवाम की खुशियां बहा ले गया, टमाटर आलू चावल दालें घी लहसुन चीनी और चिकन सबको महंगाई का रंग चढ़ गया, मिडिल क्लास के लिए महंगाई की शराब 15% के करीब पहुंच गई, गुज़िश्ता साल फरवरी में महंगाई की औसतन शराब 1% से भी कम थी। मेहमन डैम का ठेका मुशीर तजारत रजाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को दे दिया गया, वापडा ने मंजूरी दे दी, प्रोजेक्ट हुकाम को लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस जारी करने की हिदायत, मेहमन डैम मंसूबा 5 साल 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी गेस्ट हाउस कराची में जहरीला खाना खाने से चौबहक 5 बहन भाइयों की मैयतें आबाई इलाके पशीन पहुंचा दी गयी, 11:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, पुप्पी की हालत इंतहाई तशवीशनाक, वालदा की तबीयत बेहतर, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कराची में अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, फायरिंग की जद में आकर राहगीर लड़की निमरा भी चल बसी, निमरा को छोटे हथियार की गोली लगी, अस्पताल इंतजामिया जहां बख्श लड़की के मामू कहते हैं निमरा को पुलिस की गोली लगी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक
एमपी राना तजमुल हुसैन इंतकाम कर गए। सूडान में सदर उमर अल बशीर ने असेंबलियां तहरीर करके इमरजेंसी लगा दी। वफाकी हुकूमत और गवर्नर्स को हटा दिया। इमरजेंसी के ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर शैलिंग। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स सेंटर में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल जारी। पहले रोज अरबी सेशन के साथ साथ म्यूजिक बैंड का तड़का।